बहुत स्वागत है आपका। आज शनि से संकट है। जी हाँ, आज आसमान में एक ऐसी आफत होने वाली है जिसका असर पूरी दुनिया पर होने वाला है। आज शनि पर चंद्रमा का ग्रहण लगने वाला है। जी हाँ, जिस शनि के प्रकोप से बचना बेहद मुश्किल हो जाता है, जिस शनि की ढैया और साढ़े साथी संकट काल लेकर आती है, उसी शनि पर आज चंद्र ग्रहण है। तो क्या ये किसी महासंकट का दस्तक है, क्या ये कोई संकेत है और क्या आज शनि से संकट है, इसे इस रिपोर्ट से समझिए। इसके बाद अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अठारह साल बाद आसमान में शुभ अशुभ की महागड़ी। क्या महाआफत लाएगा शनि पर चंद्र ग्रहण का साया? क्या महासंकट की दस्तक है शनि का चंद्र ग्रहण? कर्मों का फल देने वाले शनि, दंड देने वाले शनि, साढ़े साथी और ढैया से जीवन से मुश्किलों को बढ़ाने वाले शनि, आज उसी शनि पर चंद्रमा का ग्रहण लगने जा रहा है जो भारत में रहने वालों के लिए बेहद अहम है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो बकरी चल रहे शनि पर चंद्र ग्रहण का साया भयंकर परिणाम लेकर आने वाला है। राजनीति के क्षेत्र में उथल पुथल देखने को मिल सकती है। शेयर मार्केट पर ग्रहण का बुरा प्रभाव हो सकता है। कानून संबंधी बड़े फैसलों पर असर हो सकता है। आज लोगों पर इसका बुरा असर होने वाला है। ये प्रभाव इसलिए भी है कि शनि पर चंद्र ग्रहण का ये साया एक बार नहीं दो बार होने जा रहा है। 24-25 जुलाई की मध्य रात्रि में नजर आएगा ग्रहण। करीब 1:30 बजे से शुरू हो जाएगा ग्रहण काल। रात 1:45 पर शनि को ढक लेगा चंद्रमा। रात 2:25 पर शनि चंद्रमा के पीछे नजर आएगा। ग्रहण को बिना किसी उपकरण के देखा जा सकता है। इसके साथ ही शनि पर चंद्र ग्रहण का साया अक्टूबर में भी पड़ने वाला है। आज रात शनि पर चंद्र ग्रहण का ये दुर्लभ नजारा 18 साल बाद भारत के साथ साथ श्रीलंका, म्यांमार, चीन, जापान सब जगह दिख सकता है। ज्योतिषियों ने 2024 को शनि का साल बताया और ऐसे में अगर शनि पर ग्रहण का साया पड़ता है तो उसका परिणाम क्या होने वाला है? बाढ़ बरसात से लेकर सियासी उथल पुथल तक, कहीं ये ग्रहण और संकट को नहीं लेकर आने वाला? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान होंगे। करेंगे उन्हीं से चर्चा। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो आइए अब इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं और आपका मेहमानों के साथ परिचय हम करा देते हैं। सृजन पाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एस्ट्रो साइंटिस्ट हैं। मोहम्मद शाहरुख खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एस्ट्रो साइंटिस्ट। नंदिकिता पांडे जी एस्ट्रोलॉजर हैं। पूजा भाटिया जी जुड़ गई हैं, एस्ट्रोलॉजर। तोशिका राजौरा जी, श्रुति द्विवेदी, करिश्मा कौशिक जी, पारुल चौधरी जी, ऋषभ जैन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एस्ट्रो साइंटिस्ट हैं। डीके त्यागी जी वैज्ञानिक हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। और मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी सृजन पाल जी आपसे। एक साइंटिफिक तरीके से भी अगर हम देखें तो इन स्थितियों को सबसे पहले आप समझाइए। 18 साल के बाद ऐसी स्थितियां क्योंकि बनी है कि शनि ग्रह चंद्रमा के पीछे छिपने जा रहा है, ये पूरा जो फिजिक्स है इसके पीछे का वो भी बताएं। जी बिल्कुल। चंद्रमा हमारा जो उपग्रह है वो हमसे लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर है। सैटर्न यानी जो शनि ग्रह है वो लगभग इस समय 120 करोड़ किलोमीटर दूर है, यानी बहुत दूरी है चंद्रमा के मुकाबले। और ऑफकोर्स सैटर्न चंद्रमा से कई गुना बड़ा है लेकिन हमें छोटा सा दिखता है एक सितारे के रूप में। अब होने ये जा रहा है कि जिस प्रकार से चंद्रमा धरती के इर्द गिर्द घूमता रहता है, घूमते घूमते चंद्रमा जो शनि ग्रह है उसके ठीक सामने आ जाएगा। तो जैसे सूर्य ग्रहण में हम देखते हैं कि सूरज के सामने चंद्रमा आ जाता है, उसी प्रकार से चंद्रमा इस समय शनि ग्रह के सामने आने वाला है। यानी कि कुछ समय के लिए, लगभग 1 घंटे के लिए विश्व के कई भागों में और भारत में भी कई जगह हमें जो शनि ग्रह है वो चंद्रमा के पीछे जाता हुआ दिखेगा और फिर निकलता हुआ भी दिखाई देगा। आपने कहा ऐसा 18 साल में हो रहा है तो ये बड़ा ही साइंटिफिक बात है, ये कोई आकस्मिक चीज नहीं है। हमें बिल्कुल प्रिडिक्ट हम कर सकते हैं कि ये कब कब होगा। इस साल ऐसा 11 बार होगा जिसमें से 2 बार इसको आप भारत में देख पाएंगे। जी
अब एक बार ये देख लेते हैं कि आखिर कैसे इसका फर्क पड़ सकता है। पूजा भाटिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। पूजा भाटिया जी, इसका असर किस प्रकार से पड़ सकता है, क्या राशियों को सतर्क रहने की जरूरत है इस पूरे संयोग के बाद? शनिदेव जो है अपनी ही राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान है और चंद्रमा भी उसी राशि में सेम डिग्री पे जब गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि शनि चंद्र ग्रहण का योग बन जाएगा और इसे हम विष योग भी कहते हैं। तो जिन राशियों पर शनि की साढ़े साथी चल रही है, जिन राशियों पर शनि की ढैया चल रही है, उन पर हम मेजर इम्पैक्ट यहाँ पे कह सकते हैं। जैसे कि मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। वहीं अगर हम कर्क और वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो उनकी ढैया चल रही है, तो इन राशि वालों को कहीं ना कहीं सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि विष योग बनता है। चंद्रमा जो है, चंद्रमा की यदि हम बात करें तो ये हमारे मन का कारक है, हमारे इमोशंस का कारक है, और वहीं शनि थोड़ा सा डिटैचमेंट की तरफ और सात्विकता की तरफ ले जाता है। तो एक फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट जो मून है और जो स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट सैटर्न है, जब इनका कॉम्बिनेशन बनता है ना तो कहीं ना कहीं उथल पुथल और नेगेटिविटी आपने बात की है, तो विष योग से तो ऐसा लग रहा है कि नकारात्मकता कहीं ना कहीं आ सकती है। श्रुति द्विवेदी जी, क्या आप इससे सहमत है? देखिए, वैसे तो ये कॉम्बिनेशन विषयोग ही कहलाता है शनि और चंद्रमा का, लेकिन इससे पहले जो साइंटिस्ट महोदय ने बोला 11 टाइम्स ये विजिबल होता है। एक्चुअली हर महीने शनि और चंद्रमा की युति बनती है, तो हर महीने विषयोग होता है। जब जब चंद्रमा शनि की राशि में जाता है तो उस समय पर पंचक लग जाता है। तो ये 18 साल पहले ऐसा योग बना था, लेकिन कोई मेजर दुर्घटनाएं उस मंथ में नहीं हुई। जैसा पूजा ने बोला कि हाँ, मून इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट और सैटर्न स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है। इसका मेरे हिसाब से कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ सकता है क्योंकि हर महीने 2.5 दिन के लिए शनि और चंद्रमा की युति बनती है। तोशिका जी, क्या आप इससे सहमत है, क्या असर पड़ेगा इन राशियों पर? जैसा कि पूजा बता रही थी, ये 5 राशियां हैं, इनको सतर्क रहने की जरूरत है। आपको लगता है कि वाकई है? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि सतर्क रहने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि साल जो है वो शनि देव का, ये हम सभी जानते हैं। साथ के साथ इस सिचुएशन पे शनि देव जो है वो 30 जून से लेके 15 नवंबर तक वक्री पोजीशन पे रहने वाले हैं। वक्री मतलब अपना रेट्रोग्रेड पोजीशन, जहां पे वो उल्टी चाल चलने वाले हैं। तो अगर कोई भी प्लैनेट जो है वो अपने रेगुलर फॉर्म से डिस्ट्रक्ट होगा तो नेचुरली वो नेगेटिव ही परफॉर्म यहाँ पे करेगा। शनि की बात करें तो वो न्यायप्रिय प्लैनेट माने गए हैं और चंद्रमा मन का कारक है, तो शनि को लेबर से भी जोड़ा जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टाफ और जो ओनर्स होंगे सबॉर्डिनेट्स में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगी। इनफैक्ट 2024 की प्रिडिक्शन के समय पे मैंने ये भी बोला था कि जो भी रूलिंग पार्टीज होंगी उनके लिए ये समय बहुत चैलेंजिंग होगा, और हमने 2024 के इलेक्शंस में देखा है। दर्शकों को एक बार फिर से वो 5 राशियां बता दीजिए तोशिका जी। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए, जो भी मकर राशि हो गई, आपकी कुंभ राशि हो गई, कुंभ राशि में ऑलरेडी ग्रहण लग रहा है, उसके बाद आपकी स्कॉर्पियो राशि हो गई जिसमें ढैया चल रही है, कर्क राशि हो गई, इन राशियों को मुझे लगता है थोड़ा सतर्क ज्यादा रहने की यहाँ पे जिसमें शनि की साढ़े साथी है, साढ़े साथी और ढैया चल रही है, उनको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ये 5 राशियां आपने बताई है। पारुल चौधरी जी, आपको लगता है फर्क पड़ेगा? जी, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी शनि है वक्री, तो वो अपनी तो जो कार्य उनको करने वो तो कर ही रहे हैं। अब ऐसा, अब स्पेसिफिकली अगर हमने ग्रहण के साथ उसको जोड़ दिया जाए, जो भी दुर्घटना हो रही है अब समाज में या हमारे भारत में या कहीं भी, अब आप बोलेंगे सिंगापुर में दिख रहा है या जापान में दिख रहा है, तो दुर्घटनाएं तो होती ही रहती है। अगर आप उसको ग्रहण के साथ जोड़ देंगे तो मैं नहीं बोलूंगी ज्योतिष का बिल्कुल भी प्रभाव यहाँ पर आएगा। हाँ, राशियों पर जो वक्री बात से ही हम सब में कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में ये डर रहता है कि अगर हमारी राशि में किसी भी प्रकार से शनि गोचर कर रहे हैं तो वो हमें चिंता का विषय है, ये चिंता में डाल देता है। तो क्या इसे चिंता करने की बात है? देखिए, अभी आपने खुद ही बोला हमारा सबकॉन्शियस माइंड बोल रही है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है, हमने नहीं बोला। और ज्योतिष के अनुसार अभी जैसे सबने बोल ही दिया कि 2 बार इस साल दिखाई देगा, तो अभी 14 अक्टूबर को दोबारा दिखाई देगा, ये घटना दोबारा होगी। तो आप वक्री शनि को चंद्र ग्रहण के साथ नहीं बिल्कुल भी मेजर, मतलब इलैबोरेट कर सकते हो कि दोनों का कनेक्शन है। वो दोनों का बिठाने वाला एक कनेक्शन सा हो गया कि ये राशियां तो ऑलरेडी ही डाउन चल ही रही है, तो हम नहीं बोलेंगे कि चंद्र ग्रहण की वजह से डाउन चल रही है। हाँ, 2 दिन का इम्पैक्ट ये हो सकता है कि आपका मानसिक तनाव बढ़ जाएगा, एंजाइटी हो जाएगी, स्ट्रेस हो जाएगा, या लोग ओवर स्ट्रेस होकर ओवर थिंकिंग करेंगे, थोड़ा सा इनबैलेंस, चिंताओं में, ये सब चिंताओं में ग्रस्त रह सकते हैं लोग। अगर मैं बोलूं वैज्ञानिक या फिर ज्योतिष के अनुसार कुछ भी इसका असर होने वाला है तो नहीं, बिल्कुल नहीं। कौशिक जी, सवाल मेरा आपसे है कि क्या इससे फर्क पड़ेगा और इन राशियों को क्या
सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि वाकई जिन राशियों में शनि की ढैया चल रही है, शनि की साढ़े साथी चल रही है, वो ऑलरेडी थोड़े से चिंता में रहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ग्रहण को समझने की जरूरत है। ग्रहण क्या होता है? ग्रहण हमेशा या तो पूर्णिमा पे लगता है या अमावस्या पे लगता है। तो ये ग्रहण हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि ना तो पूर्णिमा है और चंद्र ग्रहण तो जब भी लगता है वो पूर्णिमा पे ही लगता है, तो पूर्णिमा तिथि तो है नहीं, मगर इसका प्रभाव जरूर रहेगा क्योंकि विष दोष बन रहा है। जैसे कि अभी श्रुति जी कह रही थी कि हर जो है ढाई दिन के लिए शनि के साथ रहता है हर महीने चंद्रमा, वो बिल्कुल होता है, मगर क्या आप ये जानते हैं कि किसी की कुंडली में अगर विष दोष होता है तो उसको लाइफ में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बहुत आते हैं, उसको लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस भी भाव में अगर विष दोष बन रहा है तो उस चीज से रिलेटेड स्ट्रगल्स बढ़ा देता है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से प्रभाव पड़ेगा। और जो पांच राशियां हैं, कर्क है, वृश्चिक है जिन पे शनि की ढैया है, साथ साथ जिन पे शनि की साढ़े साती है जो मकर, कुंभ और मीन है, इन पांच राशियों पे इसका प्रभाव पड़ेगा। और इसके अलावा जो नक्षत्र है पूर्ण भाद्रपद नक्षत्र है उस पे भी इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। जिन जातकों ने इस नक्षत्र में जन्म लिया है उनको भी इसका प्रभाव देखना पड़ेगा। लेकिन आप दर्शक ये चाहते हैं पूजा भाटिया जी कि क्या करें ऐसा जिससे ये जो भी उनके दिमाग में अभी चिंताएं आ रही हैं कि कुछ गलत हो सकता है, या फिर चिंता वाकई है ये कि अगर इतने सालों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है जिसको आप विषयोग भी कह रही थी, इससे बचा कैसे जाएगा? इन पांच राशियों के लिए कोई उपाय? सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि घबराने की जरूरत नहीं है, एक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना है, खगोलीय घटना है, होगी ही, और इसका एक ये जनरल इम्पैक्ट जो है देखा गया है। आपका पर्सनल हॉरोस्कोप कितना स्ट्रांग है ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हाँ, अगर शनि की आपकी दशाएं चल रही हैं या चंद्रमा में राहु की दशा चल रही है या फिर शनि की ढैया चल रही है तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के जो जातक हैं उन पर ज़्यादा इफेक्ट देखा भी जा रहा है। जहाँ तक उपाय की बात है तो ऐसे में ये जो पीरियड है साधना के लिए भी बहुत स्ट्रांग माना जाता है, तो आप ऐसे में मंत्रों का उच्चारण कीजिए, साधना कीजिए, शनि का दान कीजिए, शनि चालीसा कीजिए। शनि के मंत्रों का उच्चारण यदि आप करते हैं, शनि जो है आप देखिए लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करता है, मासिस को रिप्रेजेंट करता है, अगर आप किसी जरूरतमंद की हेल्प करेंगे तो कहीं ना कहीं शनि जो कर्माधिपति माने जाते हैं आपकी फेवर में ही वर्क करेंगे। और जिस ये सभी राशि के लिए एक उपाय हो सकता है? जी बिल्कुल, शनि के उपाय जो है आप सभी राशि वाले कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव जो है न्यायाधीश माने जाते हैं और इस समय रेट्रोग्रेड पोजीशन में भी है, तो इस समय पे अपना अगर आप कार्मिक बैलेंस सही रखेंगे, सही कर्म करेंगे, इस समय अल्टीमेटली करना ही चाहिए। कर्मा इज अल्टीमेट थिंग, अगर कर्मा को अगर हम सुधारेंगे तो आगे जाकर जो भी अगर कोई दुष्प्रभाव पड़ रहा होगा तो वो थोड़ा सा कम हो सकता है। एक बार हम फिर से साइंस पर लौट आते हैं। ऋषभ जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए एस्ट्रो साइंटिस्ट हैं। ऋषभ जैन जी, फिजिक्स को लेकर, जो एस्ट्रोफिजिक्स है, एस्ट्रो साइंस है, उसको लेकर हम लगातार समझ रहे हैं, ये खगोलीय घटना है, लेकिन इसके पहले भी हर बार ये बहस चलती आई है चंद्र ग्रहण को या सूर्य ग्रहण को या किसी प्रकार से ग्रहण को अलग अलग भावनाओं में देखा जाता है, इसको आप कैसे देखते हैं? जो ये खगोलीय घटना हमारे साथ होने जा रही है ये पहली बार नहीं हो रही है। अभी कुछ समय पहले जो शनि ग्रह का चंद्र ग्रहण था ये अभी मई के महीने में ही हुआ था, पर ये भारत में हम नहीं देख पाए थे इसको। ये अंटार्कटिका की तरफ या ऑस्ट्रेलिया की तरफ ये विजिबल था जी, बट अभी जो है ये भारत में हमें दिखाई पड़ रहा है। एंड ये जो हमारा शनि ग्रह होता है ये बहुत ही सुंदर ग्रह है, तो जब ये चंद्र इसको ग्रहण करेगा तो हम इसके एटमॉस्फेयर के बारे में और जो चंद्र की टोपोग्राफिकल चीज़ें हैं जिसको हम तलातल कहते हैं उसके बारे में हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये खगोलीय घटना हमें अलग अलग ग्रहों और चंद्रमा को बहुत ही गहरे तरीके से पढ़ने में, समझने में बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे, क्योंकि देखिए जो साइंटिस्ट हैं वो ऐसी घटनाओं का इंतज़ार भी करते हैं ताकि वो एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकें और अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकें। पूजा चौधरी जी, मेरा सवाल, माफ कीजिएगा, पारुल चौधरी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब हमने ये भी जाना कि क्या उपाय कर सकते हैं, लेकिन जो ये रात का समय बताया जा रहा है जब उस समय के बीच में हमें अद्भुत नज़ारा दिख सकता है, इसको एक तो ब्यूटिफुल आप सीन कह सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या इसको डायरेक्टली हम देख सकते हैं और उसमें क्या हमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, ऐसा कुछ है?
जी बिल्कुल, जैसे कि मैं बोलूंगी इसको हम ग्रहण से रिलेट कर ही नहीं सकते हैं, जैसा कि सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, सूतक लगता है, पातक लगता है, अभी हम उससे नहीं उसको रिलेट कर सकते हैं चीजों को। बिल्कुल ये ब्यूटीफुल इवेंट है, देखना चाहिए, हम नग्न आंखों से इसको देख सकते हैं, हम नेकेड आई से उसको देख सकते हैं, लेकिन जब जब सैटर्न की रिंग लाइट्स होती हैं, जब रिंग्स उनकी देख पाओगे आप, बिल्कुल टेक्नोलॉजी की ही सहायता से आप देख पाओगे, ऐसे आप बिल्कुल डिटेलिंग में चीजें नहीं देख पाओगे, लेकिन ऐसा हमारी तरफ से ना, ज्योतिष की तरफ से कोई भी ऐसा मैं बोलूंगी इम्पैक्ट या नेगेटिव चीजें हमने इस टाइम पे आपको वहम नहीं डालना चाहते हैं कि ऐसे मत कीजिए, वैसे मत कीजिए, आज आपको सूतक करना है, पातक करना है, खाना नहीं खाना, सोना नहीं है, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए ये है वो है, ये ग्रहण नहीं है एक्चुअल में, तो ये अपने सबकॉन्शियस माइंड से आपको निकालना पड़ेगा। इसको हम दूसरे ग्रहण जैसा ना लें तो ज्यादा बेटर होगा क्या? ये दूसरा ग्रहण नहीं है, क्योंकि कई बार नहाना होता है हमको, जब भी ऐसा ग्रहण होता है उसके बाद सुबह उठकर वो सूतक है, उससे निपटने के जो उपाय है वो करने होते हैं। देखिए ऐसा हमें कोई उपाय अभी करना तो नहीं है। मैं आप पे सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगी, हाँ मैं ये मानती हूँ कि इसको हम पूर्ण चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण की कैटेगरी में हम नहीं ले सकते, ये शनि चंद्र ग्रहण है, क्योंकि ये भारत में विजिबल है इसीलिए इसका इम्पैक्ट होगा, इन पांच राशियों पे भी होगा और साथ के साथ जो बताया जिनकी दशाएं चल रही है शनि की, अंतरदशा, महादशा, या जिनके भी शनि से संबंधित नक्षत्र है, यहाँ तक कि दृष्टियों का भी यहाँ पे शनि की प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा। अब बात करते हैं सूतक के नियमों की। देखिए मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, सबसे पहले जो ग्रहण है वो 24 तारीख को रात के 1:30 पे शुरू हो रहा है जी, 1:45 पे ये पूर्ण तरीके से जो चंद्रमा है वो शनि को अपनी ओट में ले लेंगे। ठीक, तो और जैसे मेरा नेक्स्ट सवाल होगा, क्योंकि हमारे पास समय कम है और बहुत सारे सवाल दर्शकों के मन में भी है। श्रुति जी, आपने कहा कि बहुत ज्यादा ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, ये खगोलीय घटना है, लेकिन किसी ना किसी के जीवन में इसका असर जरूर पड़ जाता है, क्योंकि सब कुछ एक वाइब से भी होता है। ग्रह जब बदलते हैं अपनी चाल तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव ऑरा एक चेंज होता है आपके आसपास। जी, सबसे पहले तो दर्शकों को ये क्लियर कर दूं, करिश्मा ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि ये एक्लिप्स नहीं है, वो क्योंकि सैटर्न उस मून रिंग लाइट के अंदर मून जो कवर कर रहा है इसलिए उसे एक्लिप्स कहा जा रहा है, पहली चीज। और सेकंड चीज ये है कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, डोंट टेक इट पर्सनल, स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद वृश्चिक राशि हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, तो मेरी भी लड़ाइयाँ चल रही है, सो मुझे नहीं लगता कि कुछ दुष्प्रभाव पड़ने वाला है, देयर इज नो नेगेटिव प्रभाव ऑफ दिस ग्रहण। नंदिता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई, नंदिता जी क्या आपको भी लगता है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या पड़ सकता है, और अगर पड़ सकता है तो क्या उपाय किए जा सकते हैं, और किन राशियों पर ज्यादा असर होने वाला है, क्योंकि किसी ना किसी माध्यम से एक संकेत कहीं ना कहीं शनिदेव हमेशा देते हुए नजर आए हैं आपकी राशि में गोचर करते हुए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू मी। इसमें दो चीजें, देखिए बहुत सारे ग्रहण पे बात हो रही है और साथ ही साथ बात हो रही है कि महीने में शनि जो है युति करता है चंद्रमा के साथ 2.5 दिन। युति करना अलग चीज होती है, ग्रहण लगना अलग चीज होता है। एट द मोमेंट शनि क्या है, 24 डिग्री में ट्रांजिट कर रहा है, तो 24 डिग्री में जब वो ट्रांजिट कर रहा है तो वो किस टाइम पे मून के साथ वो एक एक्लिप्टिकल स्टेटस बना रहा है, वो जरूरी नहीं है कि वो हर महीने पे आए, अभी आ रहा है और फिर नेक्स्ट इसी तरह का स्टेटस 14 अक्टूबर के आसपास आएगा, तो ये तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या ये रेगुलर इवेंट है या ये थोड़ा सा डिफरेंट इवेंट है। अब जब हम शनि की बात करते हैं, गैस का मास है तो वो सूर्य की तरह या चंद्र ग्रहण की तरह इम्पैक्ट उस तरह से नहीं आता, लेकिन इम्पैक्ट आता है। क्यों आता है? चंद्रमा मनसो जाता हम बोलते हैं, और वहीं पे जब शनि की बात करते हैं, शनि लीगल मैटर्स का कारक है। अब शनि के साथ मैंने इसमें बहुत सारे प्रेडिक्शंस पहले भी किए हैं कि जब शनि और प्लूटो एक साथ होता है, प्लूटो तो उससे भी दूर है, तो कोविड जैसी महामारी के आने के संकेत हो जाते हैं, और ये हमने कोविड से बहुत पहले बोलना शुरू कर दिया था, इसके बारे में लगभग 1 साल पहले बोलना शुरू करा था, कब खत्म होगा कोविड ये भी पहले, मतलब 2020 में जब ना साइंटिस्टों को पता था ना किसी और को पता था, हमारी गणना कह रही थी जैसे ही प्लूटो से दूर जाएगा सैटर्न, ये युति खत्म होगी, कोविड खत्म होगा, और वैसे ही जनवरी में जैसे 2023 में खत्म होना शुरू हुआ कोविड अपने अंत में आना शुरू हुआ। कि ये जब ग्रहण लग जाएगा चांद का शनि ग्रह पर, उसके बाद शनि की चाल क्या रहेगी? शनि के तो देखिए इस समय चाल बकरी है, और बकरी चाल में इस समय जो कई बातें चल रही है कि इस समय 7.5 का इम्पैक्ट है, वो 7.5 का इम्पैक्ट भी थोड़ा सा कम होता है, वो अभी तुला राशि और मिथुन राशि में भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, तो इम्पैक्ट तो रहेगा ऐसा नहीं है, थोड़ा इस समय क्योंकि शनि और चंद्रमा एक साथ होने की वजह से विष योग बनता है। विष योग का मतलब क्या होता है कि आपकी जो सोच होती है वो कन्फ्यूजन में क्लटर में रहती है, आप सही रास्ते पे नहीं जाते, कोई सही एक डायरेक्शन
डायरेक्शन भी दे रहा होगा और कोई दूसरा गलत डायरेक्शन दे रहा होगा तो आप उसकी तरफ ज्यादा अग्रसर होने लगते हैं। सैटर्न इस वक्त दर्शक देख रहे हैं और सैटर्न के आसपास की रिंग्स भी देख रहे हैं। ठीक है त्यागी जी, आपसे सवाल मेरा है कि इस खगोलीय घटना का इंतजार लंबे समय से किया जाता है। इस प्रकार की खगोलीय घटनाओं को देखने के लिए लोग अपने घरों में भी टेलीस्कोप रखते हैं आजकल और साइंटिस्ट इंतजार करते हैं। आप इस घटना को कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, वैसे तो एक जैसे कि जैन साहब ने कहा एक सामान्य खगोलीय घटना है और इस तरह की एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के आगे पीछे क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट जो है वो गतिमान है जी। और इसमें क्योंकि ये 18 साल बाद हो रहा है तो साइंटिस्टों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि जो मून का और शनि का जो इंटरेक्शन है उसका कोई एस्ट्रोलॉजिकल प्रभाव होता है नहीं होता, वो तो मेरे बहुत सारे साथियों ने बता दिया कि ये हो जाएगा, लेकिन साइंटिफिकली ये एक बहुत ही कहें कि एक रेगुलर फिनोमेना है। और इसमें जो एक बहुत मिसकंसेप्शन है, ये बड़ा एलिप्टिकल कहें कि इल्यूजन है कि जो शनि है वो वक्र चाल में जाता है, ऐसा नहीं है, वो हमें लग रहा है। उसकी गति जरूर स्लो हो जाती है, उल्टा नहीं चलता। तो वो भी मतलब ये एक मैं कहूँ कि जो हमारा प्रिडिक्शन जिस हिसाब से होता है वो उसका बेसिस ही गलत है। तो इस चीज को एक एंजॉय करिए क्योंकि आज जो चंद्रमा की जो चमक है वो लगभग 66% रहेगी, तो आप अगर बाइनोकुलर या टेलीस्कोप से इसे देखेंगे तो अच्छा होगा और इसको एंजॉय करें कि कैसे जो चंद्रमा के पीछे कहें कि जो शनि है वो छुप गया और कुछ देर बाद घंटे पर जो है बाहर निकल आया और इस उसके बाद फिर ये जो नज़ारा है सितंबर में होगा। तो इन खगोलीय घटनाओं को एक साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से देखें रदर देन कि उसका एक अर्थ निकालें, लोगों को खामा का हम डराएं कि ये कर लो वो कर लो। क्योंकि रैप अप करने का टाइम हो गया, मैं चाहूंगी कि शाहरुख जी आप एक रैप अप कॉमेंट भी जरूर दें इसको लेकर। जी मैं तो वकालत सिर्फ साइंस की कर सकता हूँ अभी जी। तो साइंस के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो इवेंट बहुत ही रेगुलर है और अगर हम सही से देखें तो ये किसी तरह का इवेंट भी नहीं माना जाएगा क्योंकि हमारी धरती से जब हम देखते हैं तो कुछ जगहों पर पूरे हिंदुस्तान में भी नहीं बल्कि सिर्फ आधे हिंदुस्तान से ही ये चीज दिख पाएगी हमें। सिर्फ हमारा पर्सपेक्टिव जैसा कि हम किसी पहाड़ के पीछे चले जाएं तो हमें लगा कि ये पहाड़ जो है चंद्रमा के आगे आ गया, तो उसी तरीके से हमारी धरती है वो इस तरह से घूम रही है अपने चंद्रमा मतलब जो हमारा चंद्रमा और धरती का जो सिस्टम है वो इस तरह से घूम रहा है कि किसी ना किसी वक्त कोई ना कोई चीज चंद्रमा के। और एक एस्ट्रोलॉजर से आखिरी कमेंट लेना भी बनता है, पारुल चौधरी जी आपसे मैं वो कमेंट लेना चाहूंगी कि अगर जो दर्शक अभी हमें देख रहे हैं क्या उपाय कर सकते हैं आज? जी जिनकी धैया चल रही है वक्री है जैसे शनि बताया या जिनकी पांच राशियां जो ऑलरेडी जिधर शनि नीच पे जाके बैठे हुए हैं तो उनके लिए एक छोटा सा उपाय है, कर्म बोलने से नहीं होते कर्म करने भी पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है हार्ड वर्क करोगे तभी आप कुछ पा पाओगे। मैं यहाँ पे चार चीजें आपको बता जाऊं तो अभी आप घर पे बैठ के बुरा कर रहे हो फिर वहां पे जाके आप डोनेशन करके आओगे तो शनि वैसे वर्क नहीं करते हैं, आपको अपना मन भी ठीक करना पड़ता है, अच्छा करना पड़ता है और आपको वर्क करने पड़ेंगे। तो आप सावन का महीना चल रहा है तो एक सबसे छोटा और सबके लिए उपाय मैं बोलना चाहूंगी, रोज शिवलिंग पर जाइए, जल में आप काले तिल डालिए और शिवलिंग पे जल आप अभिषेक कीजिए और ये क्योंकि मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड का वक्त बचा है। नंदिता जी एक आपका आखिरी कमेंट, क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो सबसे पहले जब भागवत गीता का पाठ करें, क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने बोला कि ग्रहों में मैं शनि हूँ, ओम क्लिंग कृष्णाय नमः का जप करना तो सबसे उत्तम होता है। किसी भी प्रकार की शनि की अगर आपको कष्ट है हनुमान जी की पूजा करिए, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ में बात करूँ तो शनिदेव अपनी माता के लिए बहुत भक्त थे, तो जितनी भी मातृ स्वरूप महिलाएं हैं उनका सम्मान करें, उनको आदर सत्कार करें, अपने घर में अपनी माता के पांव छू करके आप रोज काम करने जाएंगे आप देखेगा शनि का कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा, जीवन आपका बहुत संतुष्ट रहेगा और अच्छी प्रगति में ये उपाय अपना सकते हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जरूर है कि आज हमें आसमान में एक अद्भुत नजारा जरूर देखने को मिलेगा। 18 साल के बाद ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई है तो आप इसको देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उपाय राशियों के लिए बताए गए हैं उसको भी आप अपना सकते हैं। शुक्रिया। जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे भी रहेगा जारी, आप बने रहिए हमारे साथ।